नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनवाल एजुटेक में। दोस्तों, बड़ी अपडेट आ चुकी है। बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की भी एग्जाम की डेट आ चुकी है, यानी कि सबसे बड़ी अपडेट है कि आखिरकार बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की भी एग्जाम होने वाली है और किस डेट से एग्जाम होगी आपकी। नोटिफिकेशन जारी किया गया है, अभी अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो आइए देखते हैं जो नोटिफिकेशन में क्या क्या दे रखा है। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे नोटिफिकेशन देख सकते हैं, अभी भी ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है बीएड एग्जाम को लेकर। राजस्थान विश्वविद्यालय की जो बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की एग्जाम है उनकी डेट आ चुकी है, और साथ साथ जो बीए बीएड और बीएससी बीएड जो पार्ट तृतीय और चतुर्थ बच चुका है, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तो पहले ही डेट फिक्स हो चुके हैं। तो यहाँ से कंप्लीट खबर को हम जाँचेंगे। यहाँ से उपरोक्त आपको सूचित किया जाता है कि बीए बीएड बीएससी बीएड पार्ट तृतीय और चतुर्थ और बीएड पार्ट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर परीक्षा 2023 शीघ्र आयोजित की जाएगी, यानी कि आपकी बहुत जल्द एग्जाम होने वाली है और सभी की एग्जाम होगी 4 ईयर्स की। 1 और 2 की तो पहले डिक्लेयर हो चुकी थी, बट अब तृतीय और चतुर्थ की भी हो चुकी है। तो यानी कि चारों 4 वर्ष वाली जो एग्जाम है वो भी होगी, और साथ साथ 2 ईयर्स वाली जो बीएड है वो भी आपकी एग्जाम होगी। अति शीघ्र का मतलब हो गया कि इसी मंथ में आपकी एग्जाम होने वाली है, लास्ट वीक तक, अक्टूबर लास्ट वीक में। इस संदर्भ में कृपया नोट करें कि विश्वविद्यालय अध्यादेश 323 के प्रावधान अनुसार प्रत्येक बीए बीएड बीएससी बीएड जो चतुर्थ वर्ष है इंटीग्रेटेड जो पाठ्यक्रम है, और बीएड परीक्षार्थियों को न्यूनतम अनिवार्य उपस्थिति पूर्ण करना अति आवश्यक है। अतः कोविड-19 से उत्पन्न विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए छात्र छात्राओं जिन्होंने उक्त प्रावधान अनिवार्य उपस्थिति पूर्ण नहीं किया है, जिन्होंने परीक्षा फॉर्म नहीं भरा है, उनकी सूची संलग्न प्रश्न पत्र अनुसार 50 रुपये के स्टाम्प पेपर के अनुसार आपको 22/10/2021 को दोपहर 1 बजे तक आपको उप कुल सचिव परीक्षा जो कार्यकाल कमरा नंबर 134 में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। जिन्होंने अभी तक एग्जाम फॉर्म नहीं किया उसके लिए छूट है 22 तक। तो 22 तक आपकी एग्जाम नहीं होगी, 22 के बाद में आपका टाइम टेबल जारी हो जाएगा। यदि किसी कारणवश से किसी महाविद्यालय उपरोक्त अनुसार शॉर्ट अटेंडेंस के बारे में विश्वविद्यालय को सूचित प्रस्तुत नहीं किया, तो छात्रों को उपस्थिति पूर्ण मानते हुए उन्हें परीक्षा में सम्मिलित कर लिया जाएगा, जिनकी जिम्मेदारी जो स्वयं महाविद्यालय की होने वाली है। इनकी जो भी स्टूडेंट है अटेंडेंस शॉर्ट है उनकी, उनको भी ये फायदा होने वाला है। और साथ साथ बात करें हम जो सेकाउट यूनिवर्सिटी है उसकी भी एग्जाम की डेट बहुत जल्द डिक्लेयर होने वाली है, आज की जो न्यूज पेपर हुई उसके अनुसार। और साथ साथ मत्स्य यूनिवर्सिटी है उसकी भी एग्जाम की डेट बहुत जल्द आने वाली है, अक्टूबर लास्ट वीक से स्टार्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो शपथ पत्र है उसको आप देख लेना अच्छी तरीके से, और उसके बाद में ये आपका जो ऑफलाइन ऑनलाइन जो मॉडिफाइड के आधार पर ही आपके अंक प्रस्तावित किए जाएंगे। जो प्रैक्टिकल एग्जाम है इसके लिए नीचे दे रखा है, जिनके प्रैक्टिकल नहीं हो वो प्रैक्टिकल एग्जाम अपने कंप्लीट करें। आखिरकार बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की भी एग्जाम होगी अति शीघ्र ही, तो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी अभी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन करें। थैंक यू।